मैं एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव में हूँ। पिछली बार मैं अप्रैल 2022 में यहाँ आया था और जब 12 अप्रैल को यहाँ पहुँचा था तो यहाँ पर एक अलग तरह की मोर्चेबंदी थी और टैंक्स को रोकने के लिए जो रूसी टैंक्स घुस आए थे कीव के बाहरी इलाके तक, उसको रोकने के लिए ये जो सामने की जगह दिख रही, जो सड़क दिख रही जहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी रेड लाइट पे, यहाँ पे एक भारी बंदोबस्ती थी। कंक्रीट के जो दीवारें हैं वो खड़ी की गई थी। इसके अलावा लोहे के एंगल्स लगाए गए थे ताकि टैंक जो है वो यहाँ तक अगर पहुँचे तो इससे आगे ना पहुँच पाए। ये मैदान स्क्वायर है और यहाँ पे आई लव कीव का जो एक बोर्ड है वो लगा हुआ है। और इस मैदान स्क्वायर पे मैंने उस समय एक जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की थी। डेड बॉडी जो हैं वो यूक्रेन के सैनिक के यहाँ पे लाए जा रहे थे और यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही थी। परिजन और कई सारे सैन्य अधिकारी, उनका जो महकमा है वो सब यहाँ पे उस समय मिले थे। अभी सिचुएशन उससे बेहतर है। उस तरह से एयर सायरन यहाँ पे सुनाई नहीं पड़ता जैसा कि 2022 में सुनाई पड़ता था। और जो शहर में जो जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य हो चुका है। उस समय दुकानें जो हैं वो अधिकतर बंद थीं, अब जो हैं अधिकतर दुकानें खुली हुई हैं और जो लोग हैं वो अपना जीवन जो है सामान्य तौर पर जीते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ख़तरा जो है वो कम नहीं हुआ है। एयर सायरन अब भी कभी कभी बजता है क्यों शहर के ऊपर भी, और यदा कदा जो हमले हैं वो यहाँ तक भी मिसाइल या रॉकेट जो हैं वो पहुँचते रहे हैं। जैसा कि पिछले महीने जुलाई में ही 8 जुलाई को कीव का जो बच्चों का जो अस्पताल है, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस पर हमला हुआ, 44 लोगों की जान गई। तो ख़तरा इस शहर पर अभी भी है। हालांकि जो लोग हैं वो युद्ध के माहौल में जीने को उसकी आदत इनको लगता है कि पड़ गई है और इसलिए सामान्य जीवन जो है वो जीते नज़र आ रहे हैं। लेकिन युद्ध का खौफ जो है कहीं ना कहीं इनके मन में अभी भी है, क्योंकि युद्ध जो है वो चल रहा है और ख़तरा जो है बढ़ा है। ख़ासतौर पर कुर्स्क में जिस तरह से यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन्होंने जाकर वहाँ अपना 1000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का इलाका जो उन्होंने कब्जा किया है, उसके बाद से रूस की तरफ से जो हमले की जो आशंका है, ज़्यादा घातक हमले की जो आशंका है वो बढ़ गई है। और 24 अगस्त जो कि यूक्रेन की आज़ादी का दिन है, उस दिन भारी हमले की आशंका जताई जा रही है। और इसी मद्देनज़र जो अमेरिकी दूतावास है कीव का, उसने अपने नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी है, चेतावनी दी है और कहा है कि वीकेंड पर जो है हमले वो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, मिसाइल और ड्रोन से हमले हो सकते हैं। इसलिए जो नागरिक हैं उनके वो सचेत रहें, जो एक अपने आसपास जो शेल्टर हैं, जो कि बंकर जिसको कह सकते हैं, उसकी पहचान करके रखें ताकि एयर सायरन या हमले की सूरत में वो वहाँ पर जाकर अपने आप को सुरक्षित बचा सकें। तो ये स्थिति की गंभीरता को इस शहर का दर्शाता है और इस स्थिति की गंभीरता के बीच भी जो है लोग अपना जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। एक अहम बात यह है कि मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जिसने यहां तो कवर किया ही, मिकोलाइव तक गया जो कि खेरसन से लगने वाला नज़दीकी इलाका है, वहां उस समय लाइव शेलिंग हो रही थी, ओडेसा गया, चेर्निहिव गया, क्रिस क्रॉस किया इस पूरे देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के इलाके में जो है अलग अलग जगहों पे गया, इरपिन, बूचा, जहां नरसंहार का आरोप लगा, नरसंहार जहां पर हुआ। तो उन सब इलाकों को देखने के बाद मुझे मौका मिला इस साल मार्च में रूस की तरफ से भी जंग को देखने का, और मॉस्को में वहां पे राष्ट्रपति चुनाव जो चल रहा था उसको कवर करने के बाद जो है मैं वहां से टैक्सी लेके और एक पूरी रात सफ़र करते हुए कुर्स्क के उसी इलाके में पहुंच गया जहां पर अभी जो यूक्रेन की जो सेना है, हालांकि सीमावर्ती इलाके में है, 50-60 किलोमीटर अंदर तक घुसी है, लेकिन मैं कुर्स्क शहर के जो मुख्यालय है वहां पे मैंने रात बिताई, वहां से रिपोर्टिंग की और उसके बाद जो है मैं फिर आगे बेलगोरोद की तरफ निकल गया और बेलगोरोद की सड़क पर चलते हुए यूक्रेन की सीमा के पास तक पहुंचा, जहां पर एक सैनिक जो एक वहां पे कैंप था, जो एक पोस्ट था सेना की, जो पोस्ट थी वहां पे उतरकर जब हमने उनसे पूछा कि क्या यहां शूट कर सकते हैं, तो वहां पे फिर मुझे रोका गया, पूरी जो तफ्तीश है वो की गई, मेरी पहचान, मेरा पासपोर्ट, इन सब का वेरिफिकेशन किया गया। और उस समय मैंने फिर जो है कुर्स्क में जो एक दोस्त बन गए अभय सिंह, उनको फ़ोन कर अपना लोकेशन भेजकर और उनको इस बात की इतला देकर कि
इस तरह से हुआ है, तो उन्होंने फिर फ़ोन पे रूसी भाषा में बात करके उनको समझाया, और क्योंकि मेरे पास एक्रेडिटेशन था तो उन्होंने जो है वो मुझे बिना शक के फिर उन्होंने जाने दिया। हालांकि उनका व्यवहार जो है वो दोस्ताना था, अच्छा था, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बदसलूकी की, लेकिन क्योंकि युद्ध का माहौल है तो कहीं पर भी जो कोई भी जो मुस्तैद है वो एक आशंका की नज़र से, एक शंका की नज़र से देखता है और अपनी तरफ से तस्दीक करने की कोशिश करता है। तो जो उस समय बेलग्रोद और कुर्स्क की जो हालत थी, वहाँ पे ड्रोन हमले जो हैं यूक्रेन की तरफ से हो रहे थे, और इस वजह से वहाँ पे जो माहौल है वो खौफज़दा था। तकरीबन उस समय भी 70,000 से 1,00,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। बहुत सारे भारतीय छात्रों से वहाँ पे मैं मिला था, कुछ तो वहाँ से निकल गए थे, कुछ निकलना चाह रहे थे, और कुछ जो है वो पढ़ाई की वजह से वहीं पर बने रहना चाहते थे। तो ये सब माहौल जो है मैंने वहाँ पर देखा, और वहाँ पे जो कुछ अटैक्स हुए थे उसके वीडियोस भी जो है वो मिले। वहाँ पे लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, और फिर जो है एक वहाँ किस तरह का सेंस ऑफ फियर है वो इन सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिला। जहाँ तक मॉस्को की बात है तो मॉस्को में भी शहर में चलते हुए वहाँ के माहौल को मैंने दिखाया, और उस समय भी कंपैरिजन किया कि जो कीव में जिस तरीके से मैंने 2022 में शहर में इसी तरह से घूमते हुए जो एक माहौल दिखाया था, उसका जो एक तुलनात्मक जो एक उसकी जो तुलनात्मक तस्वीर है वो मॉस्को में चलते हुए वहाँ पे दिखाया। हालांकि मॉस्को जो है वो यूक्रेन की सीमा से तकरीबन 500-550 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक जो है ख़तरा उस तरह का नहीं है युद्ध की के मिसाइल के पहुँचने का, रॉकेट के पहुँचने का। हाँ, ड्रोन के ज़रिए जो है यूक्रेन लगातार जो है मॉस्को की तरफ हमला करता रहा, और क्रेमलिन पर भी एक जो ड्रोन है वो गिरा, बड़ा ब्लास्ट हुआ। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन उस समय वहाँ राष्ट्रपति भवन में नहीं थे, क्रेमलिन में नहीं थे, तो इस वजह से जो है वो मामला जो है उस तरह से गंभीर नहीं हुआ। लेकिन वहाँ तक ड्रोन पहुँचा देना भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पे यूक्रेन की तरफ से देखा गया। लेकिन इस तरह से जब भी हमला होता है शहर पे और ख़ासतौर पे रिहायशी इलाके में, तो दोनों देशों में से कोई भी देश जो है वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता और दूसरे देश पे दोषारोपण की कोशिश करता है कि ये उनकी अपनी वजह से हुआ। तो जिस तरह से सुमी के इलाके में, सुमी प्रांत में और सीमावर्ती शहरों में, ख़ासतौर पे खारकीव जैसे इलाके में रूस के लगातार हमले हो रहे हैं, और बदले में यूक्रेन की तरफ से भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो बेलगोरोद हो, चाहे वो कुर्स्क हो, चाहे वो और तीन जो प्रांत हैं वहाँ पे जो हमले हैं वो हो रहे हैं, तेल रिफाइनरीज को यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसको ख़त्म करने की लगातार जो कोशिश है वो यूक्रेन की, वो रूस की तरफ से हुई है। तो एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे जो यूक्रेन है वो भी अपने कदम उठा रहा है और अपनी तरफ से हमले कर रहा है। ज़ापोरिज़्या जहाँ पे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रूस के कब्जे में है पिछले तकरीबन 2 साल से, वहाँ पर भी रहकर हमले की खबर आती है, आग लगने की खबर आई, उस पर काबू पाया गया। अब न्यूक्लियर जो एक रेडियोधर्मिता है उसके फैलने का जो खतरा है वो भी बार बार वहाँ से उस तरह की आशंका निकल कर आती रही है। एक जो मैं आपको तस्वीर के तौर पर अंतर बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब मैं यहाँ कीव में था, ये मैदान स्क्वायर पर था, तो यहाँ इस तरह के जो फ्लैग हैं जो कि इस बात के द्योतक हैं कि किस तरह से सैनिकों ने शहादत दी है, और उनकी याद में यहाँ इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं, उनकी याद में जो यूक्रेन का जो झंडा है वो लगाया गया है, तो इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछली बार कुछ ही थे यहाँ पर उस तरह के जो इस तरह की जो दृश्य और इस तरह से जो तस्वीर थी वो कम ही नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी जो है इसकी तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है कि युद्ध लंबा खींचा है, हज़ारों लोगों की शहादत हुई है, आधिकारिक आंकड़ा जो है वो नहीं दिया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से, लेकिन ये जो तस्वीर है वो इस बात को बयां करती है कि कैसे बड़ी तादाद में जो सैनिकों की जो जान है वो गई है। कुछ सैनिकों से हम यहाँ पर मिले भी जो कि युद्ध में घायल हुए, और उसके बाद उनको जो है वो शारीरिक तौर पे अक्षम हो गए हैं, चल फिर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी उनमें जज्बा बरकरार है। तो ये जो दृश्य है ये बताता है कि युद्ध की भयावहता जो है वो कितनी ज़्यादा है, और इस वजह से और ज़्यादा ये बात खतरनाक लगती है क्योंकि युद्ध अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद अलग अलग तरह के पीस फार्मूले पर बात चल रही है, लेकिन दोनों ही पक्ष जो हैं वो राजी होने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस की अपनी ज़िद है, यूक्रेन का अपना पक्ष है, और ये भी कहा गया भारत की तरफ से जब स्विट्ज़रलैंड में एक पीस समिट हुआ जिसमें कि भारत ने शिरकत किया, लेकिन प्रस्ताव पे जो है वो दस्तखत नहीं किया, क्योंकि भारत का ये कहना रहा, उसकी ये दलील रही है कि
कोई भी जो समझौता है उसमें अगर दूसरे पक्ष को ना बुलाएं तो कोई भी शांति वार्ता, कोई भी समझौते की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये भारत का एक पक्ष रहा है और भारत एक संतुलित नीति लेकर चलता रहा है, और इस वजह से ही भारत का जो असर है, भारत के प्रधानमंत्री का जो असर है, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति के की तरफ हो या फिर अब जबकि वो यहाँ यूक्रेन के दौरे पर हैं, तो ऐसे में जो है उनकी जो बात है दुनिया को उम्मीद है कि दोनों तरफ सुनी जाएगी और कोई ना कोई एक रास्ता निकलकर सामने आएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने पोलैंड में जिस तरह के बयान दिए हैं कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता, रंग क्षेत्र जो है उससे समाधान नहीं निकल सकता, डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र तरीका है, एक जरिया है जिसके जरिए किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लोग अलग अलग देशों की कोशिश है कि युद्ध खत्म हो, इससे सप्लाई चेन पे काफ़ी असर पड़ा है, ग्लोबल साउथ के देशों को खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका को अनाज की सप्लाई पे असर पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन जो है एक गेहूँ का बड़ा उत्पादक देश है और कई देशों में इसकी जो निर्यात है गेहूँ जो है वो निर्यात करता है। ये जिस तरीके से जो ब्लैक सी में जो जो मोर्चेबंदी है, जहाज़ों की आवाजाही पर रोक है, दूसरी तरफ जो रूस पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से उस देश की अर्थव्यवस्था भी जो है वो काफ़ी उसको झटका लगा है। हालांकि तेल बेचकर और ख़ासतौर पे जिस बड़े पैमाने पर चीन जो है वो भी तेल ले रहा है रूस से, तो अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से चलाने की कोशिश जो है वो चल रही है। लेकिन इस बीच जो है युद्ध भी चल रहा है, और ये जो बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट के अलावा जो एक 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 अनौपचारिक तौर पे आपसे अपने अनुभव को मैं साझा कर रहा हूँ कि आखिरकार इस युद्ध के कितने पहलू हैं और किस तरीके से जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं इस कोशिश में कि शांति हो। लेकिन क्योंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो नेटो में शामिल होने की बात हो यूक्रेन की तरफ से, चाहे रूस ने जो 5 इलाके एनेक्स कर लिए हैं यूक्रेन के, क्रेमिया 2014 में ही कर लिया था, उसके बाद दोनेस्क, लुहांस्क, जेपोरेजिया, इन सब इलाकों को, खेरसन, इन सब इलाकों को उसने एनेक्स कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की डिमांड है जेलेंस्की की कि उन इलाकों को खाली करे, और जो बातचीत जो है उसके बाद आगे बढ़ेगी। रूस जो है वो कह रहा है कि जहाँ तक पहुँच गया वहाँ तक वो बना रहेगा और उसके बाद आगे की बातचीत हो, ऐसा पुतिन की तरफ से कई बार बयान दिया गया है। तो ये जो है ये एक ऐसा स्टेलमेट बन गया है जहाँ पे फौरी तौर पे कोई संभावना नज़र नहीं आती, और इसलिए ये इसका तुरंत कोई समाधान भी नहीं है, कोशिश जारी है। और इस सब के बीच जो एक अनुभव है वो मैंने आपसे साझा किया। तो कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ पे टहलते हुए मैदान स्क्वायर पर आप अपने अनुभव को साझा करते हुए और ये दिखाते हुए कि कैसे यहाँ अभी एक एक सामान्य जनजीवन चल रहा है, लेकिन इस सब के पीछे युद्ध का एक खौफ भी जो है वो लगातार बना हुआ है कि कब कहाँ किस रूप में अटैक हो जाए। हालांकि कीव की जो जो हवाई प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली काफ़ी मजबूत है, लेकिन उसके बाद वो इसके अंदर और जो किंजल जैसी जो मिसाइल है रूस की उसमें वो काफ़ी खतरनाक है, और वो भेद पाने की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है उसकी क्षमता रखती है, और इसलिए जेलेंस्की की तरफ से बार बार ये मांग की जाती रही कि बेहतर हवाई सुरक्षा प्रणाली प्रदान की जाए पश्चिमी देशों की तरफ से, ताकि कीव जो है अपनी आत्मरक्षा कर सके। और F-15 जैसे विमान जो है अमेरिका की तरफ से दिए भी गए हैं, और जो यूक्रेन जो है वो पश्चिमी देशों, अमेरिका, इन सब देशों से मिल रही सैन्य सहायता के बूते ही रूस के सामने टिका हुआ है। तो लेकिन अर्थव्यवस्था दोनों देशों की बुरी तरह प्रभावित हुई है और युद्ध जल्द ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका जो खामियाजा दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी उठाना पड़ रहा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो सबों के हित में बात यही है कि युद्ध की समाप्ति हो, शांति स्थापना हो, लेकिन इसकी सूरत हाल अभी बनती नज़र नहीं आ रही। अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनता है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो अभी बस इतना ही, पहले यूक्रेन, फिर रूस और फिर यूक्रेन, युद्ध के दोनों ही पहलुओं को कवर करने के अपने अनुभव को आपके साथ मैं साझा कर रहा था यहाँ क्यू से। उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।